हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। देख सकते हो मैं आज एक और एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। आप बिफोर में पिक देख सकते हो, आफ्टर में पिक देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला। तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला ढेर सारा प्यार दे देना। प्यार का मतलब सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, हमको इसको लाइटरूम में अपने पोज को कुछ तरीके से ला करके और ब्राइटनेस वाला ऑप्शन पे जाके एक्सपोजर को कम कर देना, ठीक है। और उसके ऊपर एक क्यूर का ऑप्शन होगा, उस पर जाके हम लोग कुछ नहीं करना, हम सिंपली उसको कम कर देना। थोड़ा सा हमने कम कर दिया, उसके बाद इसको इंक्रीज कर दिया व्हाइट वाले को। आप लोग वीडियो में देख रहे हो, नहीं समझ में आप बार बार देख लें। उसके बाद हाईलाइट को कम कर देना, ठीक है। शेडो हाईलाइट को -11 तक हमने कर दिया, शेडो को भी हमको कम कर देना। उसके बाद व्हाइट को बढ़ा देना, जिससे फेस जो हमारा थोड़ा ब्राइटनेस आएगा। ब्लैक को भी कम कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन जो है टेम्प वाले पे, आई शॉट को जो कस्टम कर देना गाइस। वाइब्रेशन को थोड़ा बढ़ा देना, जिससे पिक में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा। और सेचुरेशन को बढ़ा देना, फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला यार, पूरा देखना, मैं फिर से बता रहा हूँ। उसके बाद अगले ऑप्शन पर जाना, तो जो ऑरेंज वाला उसको ल्यूमिनस को उसको बढ़ा देना। उसके बाद रेड वाले पे जाकर उसके ल्यूमिनस को बढ़ा देना, जिससे फेस की क्लियरिटी आएगी। आप लोग देख रहे हो वीडियो में, आप लोग आराम से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना, उसको पूरा कम कर देना है लो वालों को, ह्यू को, ठीक है। सिचुएशन को मत कम करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा सिचुएशन में। तो आप सिचुएशन को हल्का ही रखेंगे, ठीक है। ह्यू को सिर्फ 100- कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में उसके ल्यूमिनस को भी हमको नहीं टच करना। उसके बाद ग्रीन वाले पे जा करके हमारा जो है उसको ह्यू को कम कर देना है। उसके बाद सिचुएशन को जो है बढ़ा देना है, ठीक है। और ल्यूमिनस को हल्का कम कर देना, जिससे फोटो देखिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। उसके बाद इसमें कोई कलर है नहीं, कलर रेंज होंगे। उसके बाद बैंगनी कलर पे जाके ह्यू को कम करेंगे, तो देखिए कपड़ों पे टचिंग आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कपड़ा जो मेरा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा, आप लोग अपने कपड़े के हिसाब से। उसके बाद मैंने कम कर लिया, उसके बाद सेचुरेशन को जो थोड़ा सा बढ़ा लिया। उसके बाद मैं जो हमारा ल्यूमिनस है उसको कम कर दिया। अब देखिए मेरा फोटो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। तो यार वीडियो प्यारा, बहुत प्यारा है, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। उस क्लियरिटी को बढ़ा देना है। और उसके बाद टोन पे जा करके हमको ग्रीन सेलेक्ट कर ले, ग्रीन को थोड़ा सा इन माइनस कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड ग्रीन था वह बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये डन कर लेते हैं। उसके बाद विजनेस जो उसको हम लोग कम कर लेते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं बता रहा हूँ मेरे पॉइंट को बढ़ा करके जो सीधर उसको भी बढ़ा देते हैं, राउंडनेस को बढ़ा देते हैं। नीचे ना शॉपिंग को बढ़ा देना, नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना, कलर नॉइज रिडक्शन को बढ़ा देना, स्मूथनेस को बढ़ा देना। और जो भी मैं PNG यूज़ किया नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अभी जो मैं PNG पिक शॉट में यूज करूँगा, अब ये मेरा पिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो गया है। मैं बिफोर करके देखो पिक कैसा था, आफ्टर में पिक कैसा है। चलो इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं, सिंपली इसको हम ले आया है पिक्स आउट एप्लीकेशन में। यहाँ पे जो मैं PNG यूज़ करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ऐड पिक पे जाते हैं ना, ऐड फोटो पे, वहाँ पे मैं जो PNG यूज़ किया नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लूँ। अब मैं इसको यहाँ पे सिंपली सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ब्लंड पे, उसके बाद स्क्रीन करके इसको मैं अपने हाथों में लगा लेता हूँ। कुछ आप इस तरह का पोज दे देना, अपने कैमरा मैन से बोल देना मैं साइड में थोड़ा बैठा हूँ, मेरा पोज ले लो, ठीक है। अब मैं इसको सेट करता हूँ, मैं इसको जो है अच्छे से सेट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दो तो मैं इसको जो है सेट कर लेता हूँ। उसके बाद में मेरे फेस पे थोड़ा लाइट आ जा रहा है, उसको मैं क्या करता हूँ अभी इरेज करता हूँ। ये देखिए फेस पे जो लाइट है उसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। जो हल्का सा जो रस्सी आया है वो उसको मैं हाथ में सिंपली सिर्फ रहने देता हूँ, तो नीचे देखिए फेक नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी देखिए ज़्यादा हट गया थोड़ा इस सिर मुकल। अब मैं इसको सिंपली कर लेता हूँ डन। अब ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फिट हो गया। उसके बाद दूसरा PNG जो है उसको मैं ऐड फोटो पे जाता हूँ, वो PNG आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं उस PNG को जाता हूँ, यहाँ से डाउनलोड मतलब लेता हूँ, ऐड करता हूँ। इसको भी वैसे करता हूँ, सेम ब्लेंड पे जाके स्क्रीन कर देता हूँ, उसके इधर साइड में लगा देता हूँ, ठीक है। इस पैरों के पास लगा देता हूँ, जिससे फोटो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आ रहा है। तो देखो मैं लगा दिया हूँ, अब मैं इसको सिंपली कर लेता हूँ सेव। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था, तो मैं इसको कर लिया हूँ सेव। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, बहुत सारा कर देना। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।